हम इंडिया को टैक्स देते हैं तो हम बाहर का माल क्यों चलाएं? हम खाते इंडिया के, बाहर क्यों क्यों खाएंगे भाई? हम अपना खाएंगे और अपने यहाँ ये खर्चा करेंगे पैसे, हम बाहर का कुछ भी नहीं मंगाएंगे। तो यार मेरा 1125 रुपए का, कितना 1700 कुछ रुपए का, ये आई लव माई इंडिया 1685 रुपए का निकलता आता है। आयुष्मान को बहुत पसंद है, देखो इन्होंने अपनी वीडियो, अपनी वीडियो बना रखी है, अपनी फोटो बना, अपनी फोटो खींच रखी है। 3800 रुपए निकल जाता है। ये हमारे नेक बैंड आ गए, सिंगल फोन वाले को हम एक नेक बैंड अपनी तरफ से गिफ्ट देगा। गिफ्ट आप किसी भी डीलर से हमारे फीडबैक ले लीजिएगा। सील बॉक्स इसे खोलेंगे नीचे, सील बॉक्स खोलने के बाद सील बॉक्स की वैल्यू खत्म हो जाती है। 7800 का दे देता हूँ, हमारे यहाँ 18500 का, ये 8500 का निकल गया है। हेलो गाइस, मैं नाम आयुष्मान। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने लगा क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे पंडित जी की शॉप पे आ चुका हूँ। जैसा देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे पंडित जी की शॉप है। काफ़ी लोग की डिमांड कर रहे थे कि भाई हमें सेकंड हैंड मोबाइल पंडित जी की शॉप की वीडियो बना दीजिए, काफ़ी लोग की डिमांड कर रहे थे। और हाँ, मुझे एक महीना हो गया इस बार मैंने पंडित जी की वीडियो नहीं बनाई। तो मैंने अभी यहाँ का स्टॉक देखा, अरे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन, एकदम ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि आईफोन ही आईफोन लगे हुए हैं। काफ़ी लोग की डिमांड कर रहे थे कि भाई हमें आईफोन पे वीडियो बना दीजिए, काफ़ी लोग डिमांड कर रहे थे, तो मैं उन्हें के लिए वीडियो लेके आया। तो चलते शॉप के ओनर के पास, पंडित जी के पास, और एक एक डिटेल जानते, तो वीडियो को शुरू करते हैं। और पंडित जी कैसे हैं? बढ़िया साहब, एक महीने के बाद मुलाकात हो रही है। अरे यार मैं बाहर था, मैं तो कुछ दिन के लिए मैं बाहर चला गया था जी। थोड़ा एक दो दिन कुछ काम में भी डिस्टर्ब रहा था, 2-4-10 दिन रहा नहीं, थोड़ा बाहर भी रहा, तो इस चक्कर में तो 10-12 दिन मुझे ऑफिस में रुका ही नहीं, तो इस चक्कर में डिले हुआ है। नहीं हाँ हाँ, और कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो बना था। डिमांड भी आती रहती है ना इस वजह से। हाँ, मैंने भी एक दो जगह कमेंट पढ़े हैं कि मैंने तो ये भी देखा कि किसी दूसरों के वीडियो में भी कमेंट मैंने देखा कि पंडित जी की वीडियो। अच्छा। मैंने देखा है, तो मैंने कहा ठीक है चलो आप आ जाओ बनाओ फिर, है ना। अब बताइए क्या स्टार्टिंग का, तो हमारे पास मोटोरोला से, हाँ एड्रेस देखिए क्या है कि एड्रेस पर आप लोग खास कर ध्यान रखिए। एड्रेस मेरा नाका चारबाग, पहले तो आपको चारबाग लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पे आना है जी। चारबाग का रेलवे स्टेशन, चाहे बस अड्डा वाला रेलवे स्टेशन बस अड्डा हो, चाहे चारबाग का रेलवे स्टेशन हो, वहाँ से आपको आना है चारबाग। वो किसी से बोलिएगा, ऑटो पकड़ लीजिए, बोलिए भैया मुझे नाका हिंडोला का बड़ा गुरुद्वारा छोड़ दीजिए, नाके का बड़ा गुरुद्वारा। या तो आप बांस मंडी चौराहे से आ जाइए, बांस मंडी चौराहे पर पुलिस चौकी है, पुलिस चौकी प्लेयर नंबर 7 पे है और हमारा ऑफिस प्लेयर नंबर 13 है। और अगर आप इधर से आएंगे बड़े गुरुद्वारा से, तो बड़े गुरुद्वारा पिलर नंबर 16 है और ऑफिस हमारा पिलर नंबर 13 है। अगर बड़े गुरुद्वारा से आ रहे हैं तो पिलर नंबर 13 पे दाहिने हाथ पे तीसरे फ्लोर पे सेकेंड हैंड मोबाइल के नाम से फ्लिपकार्ट के बोर्ड अपना लगा हुआ है। ठीक है जी। स्टार्टिंग सर कितने से करने वाले हैं? क्या स्टार्टिंग तो अपनी हमेशा की तरह होने वाली है, मोटोरोला से हो जाती है जी। और देखिए दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरा अभी मैं कैश ऑन डिलीवरी में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हाँ, व्यूवर्स को और अपने डीलर्स को जो भी मेरे को COD में माल चाहेंगे मिल जाएगा, लेकिन अभी 10 दिन का डिले होगा। 10 दिन के बाद ये काम मेरा COD स्टार्ट हो जाएगा। तो आप जहाँ भी ऑल ओवर इंडिया कैश ऑन डिलीवरी मेरे से माल मंगवा सकते हैं। जो भी आप बोलोगे मैं वीडियो पे दिखा दूंगा, दिखा के आपको कैश ऑन डिलीवरी भेज दूंगा। अब से आज से क्या है कि मेरे यहाँ से गिफ्ट स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल, मैं सिंगल फ़ोन के लिए, सिंगल फ़ोन वालों के लिए एक गिफ्ट देने वाला हूँ, जो जो एक सिग्नेचर कंपनी का ब्रांडेड नेक बैंड होगा। अच्छा। मतलब कोई भी चीज़ अगर मैं जो बोलूँगा वीडियो पे वो पर्सनली फाइनली होगा, ये नहीं कि मैं जो बोलूँगा कुछ और निकलेगा कुछ। मैं पहले नाम बता दे रहा हूँ, सिग्नेचर कंपनी का होगा। अच्छा। ये कभी मैं नहीं कहूँगा कि वन प्लस का होगा, वीवो का होगा, या ओप्पो का होगा, या बोट का होगा, नहीं। जब मैं बोर्ड दूंगा तो मैं बोर्ड बोलूंगा, जब मैं सिग्नेचर दे रहा हूं तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं। पहली सीढ़ी है, अभी मैं लास्ट सीढ़ी पे नहीं चढ़ने की कोशिश करूंगा। क्या कि लास्ट सीढ़ी पे चढ़ूंगा तो धड़ाम से नीचे गिरूंगा। कोशिश है कि पहली सीढ़ी से स्टार्ट करते हैं, फिर आप लोग हमारे व्यूवर्स जो हैं सपोर्ट करेंगे, जिस तरह सपोर्ट होता जाएगा उस तरह गिफ्ट बढ़ते जाएंगे। अच्छा। हर सिंगल फ़ोन वाले को अब मैं एक गिफ्ट दूंगा, जो भी मेरे से चाहे यहाँ से ऑनलाइन बुक कराता है, चाहे मेरे से आके शॉप पे विजिट करके लेता है, एक फोन के साथ में उसको एक गिफ्ट नेक बैंड फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। जी आगे क्या है कि चाहे वो 1000 का फ़ोन ले, चाहे वो 1500 का फ़ोन ले, चाहे वो 1200 का लेता है, चाहे वो 10000 का फ़ोन लेता है, जो भी आ रहा है सिंगल फ़ोन वाले को हम एक नेक बैंड अपनी तरफ से गिफ्ट देंगे। बराबर, अब ये स्टार्ट हो जा रहा है। मेरा 1125 रुपये का फ़ोन है, मेरा मोटो E3 पावर। उसके बाद आता है अपना वही हमेशा की तरह 1700 कुछ रुपये का, ये अपना 1685 रुपए का निकलता आता है। हाँ जी, ये 464 निकलता है G5S Plus। अच्छा।
ये 464 जहाँ तक निकलता है, मुझे लगता है 3:32 से कम तो नहीं निकलता कभी, 464 निकलता है, लेकिन लगभग ये 2000 के आसपास की रेंज में निकल जाता है। सिक्स है हमारा 2400 का निकल जाता है, नोट 7 है ये P4 में निकलता है तो 2800 निकल जाता है, और P3 में निकलेगा तो 5200 का निकल जाता है नोट 7। आईफोन भी लाए बहुत सारे। आईफोन क्या है कि आज थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा आईफोन का है जी। माल आ गया है तो अभी क्या है कि आज दिन का टाइम है, दिन के टाइम में बच जाता है थोड़ा बहुत, और शाम के टाइम तो बचता नहीं है। हाँ अभी क्या है कि आज की स्टार्टिंग कितने से करेंगे? देखिए आईफोन क्या है कि आज मेरे पास आईफोन 7 प्लस पड़ा हुआ है, 7 प्लस पड़ा हुआ है 6800 रुपए का, 6800 बल्कि ये 6500 का है। अच्छा 6500 P4 ग्रेड में, आल ओके, आल ओके, डिस्प्ले भी ओके, एकदम ओके है, चल रहा होगा, बैटरी डाउन हो सकती है अभी आना चाहिए। हाँ ओरिजिनल डिस्प्ले पे ये P4 ग्रेड में, इसे माइनर चाहिए देखो इश्यू है, इसलिए 6000 कुछ कर रहे थे, हल्की सी लाइट चमक रही है, बस इतना ही इशू है। फोन भी, डिस्प्ले भी ओरिजिनल है और फोन भी ओरिजिनल है। P1 क्या होता है, P1 में हमेशा डिब्बा चार्जर होता है। अच्छा। अब ये P1 ग्रेड के फ़ोन है हमारे, हाँ एकदम न्यू कंडीशन के फ़ोन होते हैं, ये अंडर गारंटी होते हैं। आप देखेंगे यहाँ ये फ़ोन अंडर गारंटी जा रहा है 2022, इसमें देख रहे हैं तीसरा महीना 2022 मैन्युफैक्चरिंग डेट है। बिल्कुल जरूरी है कि ये तीसरा महीना 2022 में ही बिकेगा नहीं, ये बिके चौथा या पांचवा महीने में होगा, तो भी मतलब गारंटी से एक महीना ओवर हुआ होगा, या हो सकता है कि अंडर गारंटी फ़ोन हो। तो अभी क्या है, सर सील लगा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये फ़ोन निकलेगा तो ये P1 ग्रेड में जाएगा, P1 देखिए एकदम मक्खन होने वाला है, एकदम न्यू 33 वाट का चार्जर निकल रहा है, एकदम देखिए देखिए 33 वाट का चार्जर निकल रहा है। 5G फ़ोन है? हाँ ये 5G फ़ोन है, हाँ नहीं 4G, हाँ M4 प्रो, नई केबल है, डाटा केबल है एंड चार्जर है, ये P1 में ये निकलता है। P2 में और कितने महीने पुराना है ये फोन? ये वैसे तो मुझे लग रहा है कि ये अंडर गारंटी होना चाहिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग डेट मैंने आपको दिखा दिया, तीसरा महीना 2022 लिख रहा है जी। अब ये तीसरे महीने में कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग किया है, महीना खाड़ ये गोदाम में लगेगा, बाहर निकलेगा, डीलर के पास आएगा, उसने कब बेचा, फिलहाल ये गारंटी में निकलना चाहिए। अच्छा मैं ये कमेंट नहीं करता कि गारंटी में है, निकलना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ। आपने सर इसका प्राइस नहीं बताया। प्राइस ये हमारे में M4 4G निकल रहा है, ये 8900 रुपये निकलेगा जी, 8900 निकलेगा, बिक्री इसकी जहाँ तक होगी 14000 के, 13 से 14000 के आसपास फ्लिपकार्ट पे होनी चाहिए। अच्छा। मुझे आइडिया नहीं चूँकि नया मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है हमारे पास ये निकलता है, अब ये निकल गया P1 में, नहीं नहीं ये निकला है P3 में, हाँ P3 में निकला है, जीरो है ये, है इन्फिनिक्स का जीरो। अच्छा क्यों नहीं, जीरो है ना, जीरो फाइव जी, हाँ दोनों 5G फोन है, और ये हाँ सेम फोन है, दोनों 5G फोन है ये, और कलर बड़ा खूबसूरत है, देखिए इसमें डिब्बा चार्जर निकल गया, लेकिन ये P1 नहीं है, ये P3 में भी डिब्बा चार्जर निकल गया, और ये P3 में डिब्बा चार्जर नहीं निकला, और इसका तो सब कुछ ओरिजिनल है, देखिए अपना कुछ भी एकदम ओरिजिनल डिस्प्ले पर निकला हुआ है, बैटरी डाउन है क्या, चार्जर इन्फिनिक्स सुपर रिमोट डिस्प्ले होती है, ठीक है और ये देखिए जीरो 5G है, हाँ 5G फ़ोन है। और क्या प्राइस लगेगा सर इसका? प्राइस इसका होना चाहिए, मुझे लग रहा है कितना होगा, स्टोरेज डिब्बे पे लिखा होता है, डिब्बे ध्यान दीजिए, डिब्बे पे देखना पड़ेगा, 8128 है। अच्छा और क्या प्राइस रहेगा? प्राइस होगा ये इसका 10500 या 9800, हाँ समझे क्यों बिना क्या निकल रहा है, 10-11 के आसपास निकल रहा है, नहीं तो वो तो 10-11 के उसी का रेट होगा ना, बॉक्स में सिंगल पीस वाले को तो लगभग 11 से आसपास 10500 के आसपास पड़ेगा। क्यूसी क्या है? 10200 का क्यूसी क्या होता है कि सिंगल फ़ोन में होलसेल में हम जो भी कस्टमर आता है, दुकानदार हमारे आते हैं, वो P4 वगैरह ढूंढ के लेते हैं, टूटे फूटे वो हमें छोड़ देते हैं, फ्रेश ले जाते हैं, तो क्या होता है कि अगर ये फ़ोन हमारा P3 में निकल रहा है 11000 का 10000 का, तो ये P4 में अगर चला गया गलती से भी कंपनी ने डाल दिया तो सर ये फ़ोन निकलेगा 5000 का। अच्छा 5000 का निकलेगा, तो 11000 5000 में 6000 का डिफरेंस है, तो दुकानदार क्या करता है कि P4 वाला पहले ले लेता है, अब वो 5-6000 का फ़ोन लेगा भाई तो 7-8000 का बेचेगा ना, 1000-2000 तो बचेगा बंदे को, तो इसीलिए P4 हमारा निकल जाता है। अच्छा तब उससे हम QC के 200 रुपये लेते हैं, जो 200 रुपये लेते हैं उसमें उसको ये होता है कि भाई 200 रुपये में मुझे 2000 बच रहा है, मेरा जाता क्या है। ये देखिए इसका वेरियंट जो है 8+128 होता है। अच्छा रेट इसमें क्या है, इसमें 24000 लिखा हुआ, हालांकि 20000-18000 के आसपास होना चाहिए, अच्छा लिखा तो उसमें 24000, लेकिन लिखे पे मिलता नहीं, मिलता सस्ता है,
मैं मानता हूँ कि 18,000 के आसपास होना चाहिए। होलसेल वालों ने बता दिया कुछ? होलसेल वाला देखो, मेरा मेन काम होलसेल है। आप इधर ज़्यादा देखिएगा, इधर पे गौर करिएगा, तो मेरा टोटल इन्वेंट्री लगी हुई है, टोटल बॉक्स लगे हैं अभी इस पर। ये जो बॉक्स लगे हैं इस पर QC हुआ है, बॉक्स खुला पड़ा है, ये वाला। हाँ हाँ, बाकी टोटल बॉक्स पैक हैं, टोटल बॉक्स में नीचे भी पैक हैं, अभी ये माल आया हुआ है। बाकी जो माल है खुला है अभी, अंदर पड़ा हुआ गोदाम में। अभी ये नई इन्वेंट्री मेरी लगी पड़ी है। हाँ, ये सीट लगी होती है, इसमें इतने बॉक्स होते हैं, ऊपर नीचे लिखा होता है, बॉक्स पे कंपनी से माल निकलता है, उस बॉक्स पे नीचे साइड में लिखा था कितने कितने बॉक्सेस हैं। ये एक एक BRP होती है, BRP हमेशा सिंगल बॉक्स की कम मिलती है। BRP क्या होता है? BRP का एक लॉट होता है। लॉट कभी भी कंपनी ज़्यादातर 10 बॉक्स, 20 बॉक्स, 15 बॉक्स, 4 बॉक्स, 6 बॉक्स की इस तरह बनाती है। कभी कभी सिंगल पीस की भी BRP मिल जाती है, देखने को बहुत कम ही ऐसा मिलता है, पर सिंगल पीस की भी BRP कभी कभी आती है। ज़्यादातर बल्क में माल आता है। वेबसाइट भी लगा हुआ है? हाँ, ये माल पूरा लगा हुआ है, ये माल लगा हुआ है। आज जो कि बचा हुआ, जो कि अभी आज सेकंड मीटिंग हो गया, फर्स्ट मीटिंग का तो माल मैंने बेचा ही हुआ है ना जी। मैं अभी भी 5-7 बॉक्सेस मैंने भेज डाले हुए हैं, बाकी अभी नया माल फ्रेश लगा हुआ है। तो अपने पास माल हमेशा अवेलेबल होता है, जिसको भी जब चाहिए, चाहे वो बॉक्स में डील कर ले मेरे से, बॉक्स टू बॉक्स मिल जाएगा, VRP टू VRP मिल जाएगा, QC मिल जाएगा, सिंगल पीस भी मैं सेम रेट में बिल कर देता हूँ। और अब सिंगल पीस वालों को एक नेक बैंड हमारी तरफ से गिफ्ट में दिया जाएगा, बराबर। अभी मैं थोड़ी देर में आपको नेक बैंड की भी फोटो डाल देता हूँ कि मैं कौन सा नेक बैंड देने वाला हूँ, बराबर। फाइनेंस के बारे में बता दीजिए। फाइनेंस नॉट अवेलेबल होता है हमारे पास, केवल क्रेडिट कार्ड एक्सेप्टेड होता है, केवल क्रेडिट कार्ड अब हमारे पास एक्सेप्टेड है, और अभी फाइनेंस हमारे पास अवेलेबल नहीं। चूँकि क्या है कि हम अभी नए फ़ोन नहीं बेच रहे हैं, हम लोग सेकेंड हैंड फ़ोन बेच रहे हैं, तो जब हम नए फ़ोन में आएंगे तब हम फाइनेंस करेंगे, पर अभी हम नए फ़ोन नहीं बेच रहे हैं, अभी कुछ दिन हमें सेकेंड हैंड में भी रहना है। और सर थोड़ा फ़ोन दिखा दीजिए। फ़ोन अभी अपना आ गया OnePlus 7T। अभी देखिए OnePlus 7T ये आ गया P4 ग्रेड में, देखिए। हाँ, ये निकला, देखिए 70 है, यहाँ पर ब्रोकन है जी सर। ये निकल रहा है 9500 का, 9500, लेकिन डिस्प्ले ओरिजिनल, इन डिस्प्ले फिंगर है P4 में है। हाँ, P4 ग्रेड में जा रहा है 9500 का। अब ये निकल गया P3 ग्रेड में जी, ये P2 में, हाँ ये P3 में, P3 में है। डिस्प्ले OLED लग गई है, फिंगर वर्किंग है डिस्प्ले, मैं आपको दिखा देता हूँ फिंगर वर्किंग डिस्प्ले। सिक्योरिटी कहाँ गया? यहाँ पर ये फिंगर वाला ऑप्शन है, आप देखेंगे इसमें फिंगर ऐड होगा, ये फेस है, ये फिंगर है। यहाँ पैटर्न डालिए कोई भी है, असाइनमेंट डिस्प्ले OLED लगी हुई है। ये कंपनी ने P3 में डाल दिया है, P3 में डाला है, 12,500 रुपये का आसपास डाला है। ये देखिए फिंगर वर्किंग है, आपका फिंगर वर्क कर रहा है बिल्कुल, ये आ रहा है। हाँ, ये फिंगर वर्किंग डिस्प्ले है, ठीक है। अब ये एक फ़ोन इसने डाल दिया कंपनी ने हमारे, ये 13,500 के आसपास डाला, ये डाल, ये देखिए फिंगर ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है, P2 में डाला है, फिंगर लगा हुआ है। ये ओरिजिनल डिस्प्ले में P2 में डाला है, इन्हें 14,300 या 14,400 के आसपास डाला है। इस तरह के माल हम लोग के पास निकल जाता है इस टाइम। स्टोरेज कितना होगा? स्टोरेज के 8128 निकलता है, 6 या 8 निकलता है। चूँकि वेरियंट क्या होता है, हमारे यहाँ कभी भी मेरी कंपनी GB में माल नहीं बेचती। हम मानेंगे कि कंपनी की एक चाहे एक कमी भी हो, चाहिए तो क्या है, इन्हें GB में ही माल बेचना चाहिए, क्योंकि हमारे डीलर जो आते हैं वो कहते हैं भैया 3/32 है तो सस्ता होना चाहिए, और 4/64 है तो थोड़ा महंगा होना चाहिए चलेगा, 128 GB थोड़ा और महंगा चलेगा। लेकिन हमारे यहाँ कंपनी क्या करती है कि 3/32 भी उसी रेट डालती है, 4/128 भी वही रेट डालती है, और वही रेट वो 4/64 भी डाल देती है। अगर 512 है तो वो वही उसी रेट निकलेगा जिस रेट में उसका 3/32 निकलेगा। ये हमारे नेक बैंड आ गए सर, मंगवा भी लिए जी। ये आपके नेकबैंड आ गए सर, एक मिनट, ये आपका आ गए सिग्नेचर। हाँ, ब्रांड है और ये अच्छा नेकबैंड आता है, सिग्नेचर का अभी गिफ्ट में दिया जाएगा। अब ये आज से बराबर सिंगल फोन जी, सिंगल फोन वाले को नेकबैंड होलसेल में ले रहे हैं, होलसेल वाले तो कमाए ना अपना। अच्छा, वो अपना कमाए, हम अपना कमा रहे हैं। भाड़ा हम दे रहे हैं सारा। आप किसी भी डीलर से हमारे फीडबैक ले लीजिएगा। अभी मेरा वो आपके सामने वो डीलर आया था, बिल्कुल बिल्कुल, और मैंने खुद को 1500 रुपये दिए भाड़ा, आया था वहाँ से, आया था क्या नाम, गोरखपुर से आया था, मैंने उसको भाड़ा दिया। ये अपना सिग्नेचर का नेकबैंड है जो आज से हम गिफ्ट करेंगे, फॉर हर सिंगल फोन वालों को एक गिफ्ट जाएगा जी। और सर थोड़ा फोन दिखा दीजिए। फोन देखिए हमारे पास माल की कोई कमी नहीं है, हमारे पास ट्रे में इस तरह माल निकाला जाता है, बॉक्स इस तरह लगे हुए हैं, ये सील बॉक्स है, वो बॉक्स खुला है, QC हुई है, इस तरह से माल बॉक्स में निकलता है। अभी चूंकि सील बॉक्स इसे खोलेंगे नहीं, चूँकि सील बॉक्स खोलने के बाद सील बॉक्स की वैल्यू खत्म हो जाती है, टोटल सील बॉक्स पड़े हुए हैं, और इस तरह से माल निकलता है। कितने का मिलेगा बॉक्स का अप्रोक्स क्या होता है बॉक्स का, आप इस तरह देखेंगे बॉक्स को इस तरह देखेंगे, देखिए ये है 64 पीस, यहाँ पर पीछे देखेंगे इसमें 64 पीस है, इसमें आ जाइए इसमें 64 पीस है, इसमें भी 64 है, इसमें 69 है, इसमें 56 है, इसमें 64, ज़्यादातर कंपनी
कंपनी 64 बॉक्स का दे रही है। अच्छा। अभी 60 प्लस 60 का है तो मानिए 60 का अगर आप 5 से गुणा कर लीजिए, अभी ये भी 64 है, ये 59 है, ये 64 है, अभी बड़े बड़ी लोड पड़ी है 64। अभी क्या है कभी कभी ये एक पीस का भी बॉक्स देते हैं, हम ये नहीं कहते कि ये कि केवल मतलब 60 पीस का ही बॉक्स देते हैं, कंपनी एक पीस का भी बॉक्स देती है। अच्छा। ये नोट 10 निकल गया, नोट 10 निकल गया, ये अपना निकल जाता है 6500 रुपये का कॉपी डिस्प्ले में, P4 में, और ये ओरिजिनल डिस्प्ले में भी कभी कभार 6500 का निकल जाता है, लेकिन अगर ये P3 में चला जाता है तो साहब ये कोई उठा नहीं पाता, 8900 रुपये का जाता है जी। ऐसे की भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी एक्सचेंज के लिए। क्या है कि अभी मैं परमिशन करा रहा हूँ, क्या है कि मैं कोई भी काम अनलीगल नहीं करता जब तक मुझे गवर्नमेंट से परमिशन नहीं मिलेगी फ़ोन को एक्सचेंज करने की। हाँ। तब तक हम अभी एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक। अभी मेरे पास एक्सचेंज कोई फ़ोन नहीं होता है। हाँ। केवल हम फ़ोन बेचते हैं, हमारे पास जब तक अप्रूवल नहीं आ जाएगा गवर्नमेंट का हम फ़ोन को एक्सचेंज अभी नहीं करेंगे जी। और कैश ऑन डिलीवरी के लिए बता दिया, अभी हमारे पास टोटल प्रीपेड डिलीवरी है, अभी कैश ऑन डिलीवरी में मेरे को नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी तो मैं कैश ऑन डिलीवरी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, पर अभी मेरे पास प्रीपेड ही है तो कुछ दिन मुझे 15 दिन अभी कैश ऑन डिलीवरी के लिए कॉल ना किया जाए। वन प्लस के फ़ोन दिखा दिए सर। अरे सर वन प्लस तो आपको इसमें मैंने बताया ही वन प्लस के बारे। अरे ये तो आपका आपका चाहता है, ये है 10R 5G, 10R 5G है, और इसमें क्या है कि आयुष्मान को भी बहुत पसंद है, देखो इन्होंने अपनी वीडियो बना रखी है, अपनी फोटो बना अपनी वीडियो खींच रखी है। ये आ गया है 21900 या 22500 का निकल रहा है। अच्छा। 21900 या 22500 का निकल रहा है। वन प्लस 8 है, 8 हमारे पास ओरिजिनल है, इंडियन है, हमने फिर कहा मैं कोई अनलीगल काम नहीं करता हूँ, मेरे पास जो भी माल मिलेगा वो इंडियन मिलेगा, मैं कभी ग्लोबल माल नहीं बेचूँगा, अभी कोई ऐसा ना बेचने का मेरा इरादा, जब तक गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं आएगा मैं गवर्नमेंट के कहने पर ही काम करूंगा, मेरा कोई भी काम अनलीगल नहीं है। तो वन प्लस 8 चूँकि ये इंडियन वर्जन है इसलिए निकल रहा है 22000 के आसपास का। अच्छा। ये P2 ग्रेड में है। अगर ये मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर ये ही किसी के पास मतलब ग्लोबल मिल जाएगा तो वो सस्ता पड़ेगा 18-19000 का, लेकिन ग्लोबल इंडियन नहीं है, हम इंडिया को टैक्स देते हैं तो हम बाहर का माल क्यों चलाएं, हम खाते इंडिया के बाहर क्यों क्यों खाएंगे भाई, हम अपना खाएंगे और अपने यहाँ ही खर्चा करेंगे पैसे, हम बाहर का कुछ भी नहीं मंगाएंगे जी। हम हैं देश प्रेमी जी, हमें अपने देश से प्यार है बिल्कुल, और हम कभी भी अपना पैसा इंडियन पैसा बाहर नहीं भेजेंगे बिल्कुल, पहले हमारे लिए इंडिया है उसके लिए बाहर जी। अभी बाहर से भी कॉल आता है, एक दो मेरे को अपने कंट्री से बाहर के फ़ोन आए, नेपाल से आता हूँ, बाहर से नेपाल गया मैं, बोलूँगा पाकिस्तान से भी फ़ोन आया, लेकिन मैंने उनसे बिल्कुल मैंने उनसे ये कहा कि पहले मैं अपने इंडिया वाले को दूंगा, पाकिस्तान में बात देखूंगा, पहले मैं अपना इंडिया, मैं आई लव माई इंडिया। आगे सर MI में क्या है कि ये अपना निकला भाई, ये हमेशा P4 में निकलता, ओरिजिनल डिस्प्ले में निकल गया P4 ग्रेड में जी। सर ये निकल गया है 4600 रुपये का, फिंगर वर्किंग है ये 4600 का निकल गया है, लेकिन आप लोग व्यूअर से सोचते रह जाएंगे जब तक इस फ़ोन के बारे में सोचेंगे फ़ोन बिक गया होगा। ये हमेशा 6000 का निकलता पर आज P4 में निकल गया है सर, ये P4 में निकला है, किसी ने पैटर्न डाला हमारे बंदों ने, देखिए P4 निकला, ऑल वर्किंग है, 4600 रुपये का निकल गया, एकदम भागा कैमरा वगैरह हर चीज़ काम करता होगा, चल जा कैमरा कुछ मैंने सेटिंग मार दी, हाँ ठीक है, पाल वर्किंग है ना, ये अपना वो है MI A3। और वीडियो से कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? वीडियो से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, व्यूअर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग जुड़े रहिए, ऐसे प्यार देते रहिए अपना, और हम आपके लिए कुछ ना कुछ, हमने बोला आज देखिए नेकबैंड आया है, अगर आपका सपोर्ट होता रहेगा आगे चीज़ें बढ़ेंगी, गिफ्ट बढ़ेंगे। अच्छा। आप जुड़िए और आपको गिफ्ट भी बढ़ेंगे, और ये भी मैं मेरे सामने अभी आयुष्मान जी की वीडियो पे सामने ही मैंने एक बंदे को 9000 का फ़ोन निकल रहा था, बच्चे के पास केवल 5000 था, उसने बोला मैं झूला चलाता हूँ मेले में, तो मैंने 5000 रुपये का 4000 का डिस्काउंट उसको दे दिया। तो हम कुछ भी कर देते हैं, कोई एक दुकानदार ने मुझे अभी एक मेरे कस्टमर ने फ़ोन किया कि भैया मैं आपके यहाँ से फ़ोन ले गया था, मुझे 900 रुपये की ज़रूरत है, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, कोई मुझे ऑनलाइन नहीं मिल रहा है, मैंने आपको दिखाया ना, मैं आपको नंबर दिखा देता हूँ, मैंने बंदे को मेरा मोबाइल देना, मैंने अभी उस नंबर उस बंदे को रात में कल मॉर्निंग में 12 बजे से ज़रूरत पड़ गई, ये मैं वीडियो शेयर कर दे रहा हूँ आपको, जो भी आप चाहो इससे बात कर सकते हो, नंबर छुपा दिया जाएगा, हाँ नंबर ये देखिए, मैं इस बंदे को मैंने कल 900 रुपये ये देखिए ये मैंने ट्रांसफर किया है, बंदा सामने चेहरा सामने देख लीजिए बिल्कुल, इस बंदे को मैंने 900 रुपये ट्रांसफर किया है, 900
क्योंकि बोला बच्चा की एक्सीडेंट हो गया है और हमारे पास पैसे नहीं हैं और ऑनलाइन में कहीं से मंगा नहीं सकता, मेरा देहात का मैटर है भैया, मैं आपकी शॉप पे आया था तो हाँ फ़ोन लेके गए थे, आईफोन 7 प्लस बता रहा था, तो मैंने कहा मुझे ऐसा करो मुझे पहले वीडियो दिखाओ कि आपसे मेरी कभी चैट हुई है, तो इसने मुझे व्हाट्सअप नंबर दिया, मैंने देखा वाकई में इससे चैट हुई थी तो मैंने कहा ठीक है, तुरंत मैंने 2 मिनट में सोचा नहीं, मैंने 900 रुपये ट्रांसफर कर दिए। तो ये नहीं है कि 900 ट्रांसफर कर, देखिए यह है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम आपके लिए किसी अपने डीलर के सपोर्ट, अपने कस्टमर के सपोर्ट के लिए हमसे जो भी हो पाएगा हम आपके सपोर्ट में खड़े हैं, ठीक है। और डीलर के लिए भी एकदम आपको मैं बताना चाहता हूँ, देखिए रिटेल तो एक रिटेल है पर डीलर मेरा मेन होलसेल, तो मेरा मेन होलसेल है, मेरा फ्लिपकार्ट का डायरेक्ट वेंडरशिप है। आप लोग कभी मत सोचिए कि हम दिल्ली जाएंगे तो हमें सस्ता मिल जाएगा, सर सिस्टम चेंज मिलेगा हर जगह पर रेट कोई सस्ता नहीं देगा। हर आदमी जब तक आपसे 2 पैसे कमाएगा नहीं कभी नहीं देगा, हम भी कह रहे हैं मैं भी कमा के दूंगा, पर रेट आप कंपेयर कर लीजिए, वो अगर 2% कमा रहे हैं तो हो सकता है हम आपको 1% कमा के माल दे दें, क्योंकि रेट तो मेरा सेम ही चलता है ऑल ओवर इंडिया, कंपनी का रेट कार्ड तो सेम चलता है। आप मेरे से रेट कार्ड मांगिए, मैं रेट कार्ड आपको दे दूंगा, आप QC में करेंगे मैं QC का रेट दे दूंगा, अगर आप हमसे बोलेंगे बल्क में लेना है मुझे बॉक्स लेना है तो मैं बॉक्स का रेट दे दूंगा कि सर आज दिल्ली में ये रेट का चल रहा है आपको यहाँ इस रेट का मैं दे दूंगा, सेम टू सेम। आपने कहा था कि दिल्ली वाले रेट मिलेंगे, सेम टू सेम मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, दिल्ली वाले रेट में मिलेंगे, दिल्ली वाली स्टाइल में मिलेंगे और सब कुछ ऐसा मिलेगा कि मैं तो जाना भी नहीं पड़ेगा दिल्ली, बिल्कुल किराया भी दे रहा हूँ। आपने मेरे डीलर का फीडबैक नहीं लिया, अभी 1500 रुपये किराया दिया हूँ मैं, मैंने गोरखपुर वाले को दिया, अभी जो डीलर आता है मैं तुरंत कर देता हूँ और इतना डिस्काउंट ही दे देता हूँ उसको कि कभी कभी कुछ डीलर तो मांगते ही नहीं, उनको डिस्काउंट ही दे देता हूँ। भाई P4, P2, P3 मेरा बिकता नहीं, मैं साफ बोल दे रहा हूँ, P2, P3 मेरा महंगा होता है, लॉस करके देना पड़ता है, कभी 1000 छोड़ता हूँ, कभी 500 छोड़ता हूँ, किसी में 2000 छोड़ता हूँ, दे देता हूँ कि भाई कमा ले तू, मैं तो P4 मेरे को 1-2% मिल ही रहा है ना भाई, 1-2% क्या होता है, हमारा एक सीख है, हम बच्चे जब थे हम पढ़ाए जाते थे तो हमसे कहा जाता था कि आप बिजनेस लाइन में आए तो हमारे जिसने भी हम जिससे सीखे उन्होंने हमसे यही बताया कि सर 1 पीस ना बेच के 100 पीस बेचने की इच्छा रखो, आप 10 रुपये ना कमा के 1 रुपये कमाओ, हम 1 रुपये कमाते हैं दिन भर में, 1 कस्टमर बेचेंगे तो केवल 1 रुपये आता है, 10 रुपये बेचेंगे अगर 1 कस्टमर को बेचेंगे तो 10 रुपये आएगा, 1 रुपये कमा के हमने 100 कस्टमर को बेचा तो हमारा 100 रुपये आया, बिल्कुल कमाते हैं हम भी, हम कभी नहीं करें, हम 1% कमा के काम कर रहे हैं, लोग 100% में काम करते हैं, 10% काम करते हैं, बस डिस्टर्ब ये है हम कमीशन कम लेते हैं। आईफोन की हमने बताया आपने रेट किसी है क्या है, आईफोन आपने पूछे नहीं, ये स्टार्टिंग करिए, देखिए ये आईफोन 8 प्लस है, क्या हुआ आईफोन 8 प्लस ये निकल गया हमारा P5 ग्रेड में, P5 में निकल गया है, इसका बैक पैनल टूटा था, अच्छा चेंज हुआ है, कोई भी भाई लेना चाहेगा 7800 का दे देता हूँ, 7800 का iPhone 8 प्लस, बैक पैनल चेंज है, इसकी बैटरी ओके, बैटरी ओके ओरिजिनल है, बैक पैनल टूटा इसलिए रेट घटा हुआ है ना, अच्छा आपका ये है XR निकल रहा है, ये हमारे यहाँ 18500 का ऑल ओरिजिनल मिल्ड कंडीशन है, एकदम हर चीज़ ओके, यहाँ तक कि डिस्प्ले टच हर चीज़ ओरिजिनल है, देखिए अब मैं दिखा दे रहा हूँ पासवर्ड क्या पड़ा हुआ है, बैटरी इसकी 84 होनी चाहिए, 84 जी बैटरी 84 होती है, 80 प्लस ही मिलेगी, हाँ 80 प्लस मिलेगी, ठीक बैटरी डाउन है मगर ये ट्यूटोरियल वर्किंग है, देखिए डिस्प्ले ओरिजिनल ट्यूटोरियल वर्किंग है, मतलब ओरिजिनल सब कुछ ओरिजिनल, 18500 का निकल रहा, यही फ़ोन साइड में कहीं रखा होगा अभी XR मैं दिखाऊंगा, 12500 का निकल रहा, सब कुछ ओरिजिनल, ग्लास टूटा है नहीं, ये SE 2020 है, ये 8500 का निकल गया है, SE 2020 8500 का निकल गया है, ये अपना iPhone 7 है, ये हमारे यहाँ निकल रहा है 5800 का है, iPhone 8 है, कभी भी P4 ग्रेड में निकलेगा, P4 ग्रेड में निकलेगा तो 7500-8000 का निकलेगा, और ये निकल गया है P2 में 11500 का, 11500 का P2 में निकला है जी, बल्कि 11 का दे दूंगा, मिनी 12 मिनी देखिए हमारे पास ये निकला हुआ है, ये निकला है 20500 का, ठीक है 12 मिनी दोनों ये निकलेगा 23500 का, ये 21500 का निकला जहाँ तक, और ये निकला है 24500 का, 24500 जी, इस तरह से निकलता पहले, अभी क्या थोड़ा सा रेट कंपनी ने अप कर रखा है, तो अप करने के बाद थोड़े रेट बढ़ गए हैं, तो इस टाइम थोड़ा सा रेट ज़्यादा लग रहा है, हमको भी ज़्यादा लग रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको, मुझे भी थोड़ा रेट ज़्यादा लग रहा है, कम ये आईफोन, ये मुझे लग रहा है 8 है, iPhone 8 प्लस है भैया, सर ये 8 प्लस है, ये भी निकल रहा है, वही 8800 का निकल रहा है,
इसका डिस्प्ले 800, हाँ इसका डिस्प्ले चेंज है, ये 8000 दे दूंगा मैं, डिस्प्ले चेंज है बस। फ़ोन चल रहा है ऑल ओके है, ऑल वर्किंग भी चल रहा है, मगर डिस्प्ले चेंज है इसलिए 8000 का निकला है जी। ये वाले नहीं दिखाया, हाँ ये है एक्सेस, ये 256 GB है, ये निकलेगा 19500 का, ये 64 GB है निकलेगा 15500 का। ये वाला कौन सा? ये है हमारा, ये आपने निकल रहा था अभी तो, ये सेल आउट कर दिया मैंने, ये 8 5G है, रेनो 8 5G। कैमरे देख लीजिए बड़ा बड़ा है, कैमरा देखिए बड़ा बड़ा है, डिस्प्ले चेंज है, इसलिए फ़ोन निकला है मात्र 10500 रुपये का जी। अभी ये वाले कौन से? ये S20 FE है, S20 FE देखिए मेरे पास बहुत निकल गए हैं, 7 फ़ोन निकले हैं, 4 स्ट्रीम यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं ठीक है। अभी इसमें एक दो फ़ोन निकले हैं शायद 16800 के, और दो फ़ोन निकले हैं 18500 के। तो 16800 18500 सेम टू सेम प्रॉब्लम, किसी में नहीं, सब ओके हैं, किसी में कोई स्क्रैच भी नहीं, सब सिंगल स्क्रैच में भी नहीं है। लेकिन क्या है कि कंपनी का फंडा है, वो कुछ भी डाल देते हैं। उन्होंने तो एक P4 में डाला था, हल्का सा ग्रास बुकिंग था, 12000 का बिग गया। यहाँ पे पंडित जी की शॉप पे था तो ये हमारे पास मिल गया, भाई मिल गए। तो भाई अपना नाम बता दिए एक बार। शिवम कुमार गुप्ता। अच्छा, आपने सर कौन सा फोन लिया है? रियलमी GT Master Edition। अच्छा, आपने सर कितने का दिया है? निकल रहा था 9500 का, मतलब बंदे को पैसे कम थे, जाने लगे तो मैंने 5500 का। हाँ जी, मुझे 5500 रुपये का दिया। 5500 का दिया? यस। और कितने का निकल रहा था? 9500 रुपये का निकल रहा था जी। अच्छा, आपने दे दिया 5500 का, क्यों दिया? नहीं, वो दूर से आए थे। अच्छा, आए थे काफी, एक आध घंटे से खड़े हैं। और इनके पास बजट केवल 5500 ही निकल रहा था जी। लास्ट में जाने लगे तो हमने कहा कि अच्छा जाने दो, अब एक आदमी दूर से आया है तो थोड़ा सा क्या है कि देखना। 50% का डिस्काउंट हो गया, ज्यादा नहीं घाटा हो गया? हो गया तो हो गया, क्या है कि ऊपर वाला है एडजस्टमेंट करेगा, अब आगे भी लोग आएंगे जुड़ेंगे सब हो जाता है। हम देखो इधर है कि ना कुछ लेके आए ना कुछ लेके जाएंगे, बराबर है ना। यहाँ पे भीड़ भी देख सकते काफी ज्यादा। तो आपको फोन लेने के बाद कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी, फोन लेने के बाद मुझे बरेली से आया हूँ सर मैं। बरेली से फोन लेने से? फोन लेने सिर्फ। बावजूद भी आपके पास बजट नहीं था? बजट नहीं था जी मेरे पास। किराए कैसे जाएंगे? मिल गया ना फोन? यस मिल गया फोन मुझे, यस मिल गया फोन। लेना चाहिए कि नहीं यहाँ से लेना चाहिए बताइए? हाँ सब सबको लेना चाहिए यहाँ से, बहुत अच्छा फोन दिया है। हम लोग ऐसा प्रचार करते हैं, बेस्ट क्वालिटी और नंबर वन फोन है ना, अच्छा क्वालिटी मिलेगा ना तो हम जरूर आएंगे मेले में प्रचार करेंगे। हमारे पास बहुत ब्रांड है, मेरे पूरे वर्कर हैं। अच्छा, हाँ मेले में झूले उले जो है हमारे ही हैं, सारा प्रचार करेंगे, जो लेबर होगी वो देखने हैं, लेने आएंगे ठीक है। यहाँ पे वीडियो शूट करने आया था तो एक हमारे सब्सक्राइबर मिल गए। तो सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हैं। तो बताइए आपने सर कौन सा फ़ोन लिया है? V17 वीवो का। अच्छा, तो कैसे ऊपर रहेगी डील आपको? डील यहाँ पर हमको बहुत अच्छी लगी, मैं परमानेंट सब्सक्राइबर हूँ आयुष्मान जी का जी। मैंने यहाँ पर आ करके कोशिश करी कि यहाँ पर कोई सेट लिया जाए, मैं कानपुर से आया हूँ। अच्छा, कानपुर से आया? जी जी कानपुर से आया हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर, जैसा पंडित जी जो है वीडियो में दिखते हैं बोलते हैं, जैसा उनका नेचर दिखाई देता है बिल्कुल वैसे ही पंडित जी यहाँ पर जो है डील भी करते हैं, उसी हिसाब से हर ग्राहक को जो है संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। बड़ा अच्छा लगा और मेरी नीड के अकॉर्डिंग मुझको मोबाइल मिल गया, मैं पूर्णतया सेटिस्फाइड हूँ। और मैं कोशिश करूँगा आगे कभी फ़ोन लेना हो सेकेंड हैंड वाला तो मैं पंडित जी के पास एक बार ज़रूर आ करके देखूँ। और प्राइस कम किया है कि नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं किया, जितना बार कोड स्कैनर पूरा लगा हुआ है कंपनी का, फ्लिपकार्ट का लगा हुआ है, उसी स्कैन करके उन्होंने स्वयं दिखाया, वही रेट पंडित जी ने मुझसे लिया है, कोई अलग से कोई चार्ज नहीं किया है। इसके अतिरिक्त मैंने कहा कि चार्जर इसके लिए कौन सा ठीक रहेगा, तो मुझे अपने पास से एक हैवी चार्जर भी इसका हमको दिया है, फ्री में दिया है, इसका कोई पैसा नहीं लगा। और साथ में इसका बिल भी? हाँ साथ में बिल दिया हुआ, बिल में केवल मोबाइल का कास्ट है। और लेना चाहिए कि नहीं? अरे बिल्कुल लेना चाहिए, जब जो है रिजनेबल रेट में कोई अच्छी चीज़ मिल रही है तो बिल्कुल आ करके लेना चाहिए और सबको इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। और स्टाफ का नेचर कैसा है यहाँ का? स्टाफ का नेचर बड़ा कोऑपरेटिव है, वो हर तरीके से कोऑपरेट करने की कोशिश करते हैं कि कोई कस्टमर जो है यहाँ से खाली हाथ ना लौटे। अच्छा ठीक है, तो सर वीडियो के लास्ट में क्या कहना चाहिए? लास्ट में सर आप हमसे जुड़िए,
अब तो हम गिफ्ट भी आपको दे रहे हैं, किराया तो देते ही, मतलब ये तो डीलर के लिए किराया देते हैं, सिंगल वालों को गिफ्ट देने लगे, अब डिस्काउंट तो दे ही दे रहे हैं भाई। 500 को छोड़ दिया, 500 छोड़ा, रेट टू रेट कर दिया, उसके बाद में अब उन्हें एक गिफ्ट भी दे दिया मैंने, ठीक है। अभी मेरे से जो भी होगा आप लोग जुड़िए, और जितना भी होगा हम आपका सपोर्ट करेंगे, ओके। एड्रेस एक बार बता दीजिए, एड्रेस फिर से बता दे रहा हूँ, बड़ा गुरुद्वारा, चारबाग से निकलिए, लखनऊ आइए, चारबाग रेलवे स्टेशन से नाके का बड़ा गुरुद्वारा पूछ के चले जाइए। बड़ा गुरुद्वारा का ओवरब्रिज एक निकलता है, ओवरब्रिज का पिलर नंबर 17 है बड़ा गुरुद्वारा, और हमारा पिलर नंबर 13 है। दाहिने हाथ पे तीसरे फ्लोर पे फ्लिपकार्ट सेकेंड हैंड मोबाइल का बोर्ड लगा हुआ है, मदर एंड सन्स जी। ओके सर, मिलते हैं आपसे बाद में, बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।